ये तस्वीर है नोएडा के सेक्टर 1 स्थित पीएनबी बैंक की, जहां बैंक की सुरक्षा में दो गार्ड मुद्रिका और मुकेश तैनात थे। लेकिन बदमाशों ने जैसे ही बैंक में घुसने की कोशिश की, वैसे ही गार्डों ने बदमाशों को रोका, तो इस पर बदमाशों ने सरिया और रॉड से हमला कर दोनों गार्डों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह 10 बजे के करीब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पीएनबी सेक्टर 1 में गार्ड रूम में मौजूद दो गार्डों के ऊपर डंडे से लूट की घटना नहीं हुई है। जो दो बदमाश आए हैं उनका 17 से 20 एज ग्रुप के बीच के हैं और उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। सस्पेक्टेड है उनको चिन्हित किया गया है। लेकिन इस वारदात ने जहां इलाके में सनसनी फैला दी, वहीं मृतक गार्डों के परिजन भी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि सुरक्षा में तैनात दो गार्डों की बदमाशों ने हत्या कर दी है, लेकिन उनकी लूट की कोशिश नाकाम रही। जो अभी फिलहाल जानकारी हुई है कि दो लोग थे जिनके, जैसा बताया कि एज ग्रुप 17 से 20 के बीच का एज ग्रुप उनका रहा है। फिलहाल डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पर है और अधिकारियों का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।